दोस्तों आज इंडिया में 50% से ज्यादा लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और ये रेशो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काजू से वाइन कैसे बनती है। और दोस्तों इंडिया में ये वाइन किसी फैक्ट्री या लैब में नहीं बल्कि ट्रेडिशनल तरीके से प्योर बनाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले काजू को हार्वेस्ट किया जाता है, जिसके लिए जो काजू पककर जमीन पर गिर गए होते हैं उन काजुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग इस स्टिक की मदद से काजुओं को हार्वेस्ट करते हैं और ये लोग 100 सालों से इसी तरीके से वाइन बना रहे हैं। इन सभी काजुओं को एक जगह पर जमा कर लिया जाता है। सबसे पहले ये काजू और काजुओं के बीच दोनों को अलग कर लेते हैं। वाइन बनाने के लिए काजू का कोई काम नहीं होता, इसीलिए ये लोग काजू को फैक्ट्रीज वालों को बेच देते हैं। और अब अगले प्रोसेस में इन फलों में से जूस निकालने का काम किया जाएगा। और दोस्तों ये काम बहुत मेहनत भरा होता है, क्योंकि ये लोग पैरों की मदद से इन फलों को कुचलकर इनका जूस निकालते हैं। और जूस निकालने के लिए जिन जूतों का इस्तेमाल होता है उसका सोल लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी का सोल होने के कारण जूस थोड़ा आसानी से निकल जाता है। और ये जूस फलों से निकलते हुए इस छेद के जरिए एक जगह पर स्टोर होता रहता है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जाकर ये जूस निकलता है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस के जरिए भी ये जूस पूरी तरह से नहीं निकला। इस जूस को पूरी तरह से निकालने के लिए फलों को एक जगह पर इकट्ठा करके इन्हें अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है। बाद में बड़े बड़े पत्थरों को इसमें ऊपर रख दिया जाता है, जिससे इसका बचा हुआ जूस आसानी से निकल जाता है। और इन स्टिक्स की मदद से इन पत्थरों को सपोर्ट दी जाती है ताकि ये गिर ना जाएं। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जूस निकालने के लिए इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, काजुओं को डायरेक्ट मशीन में डालकर इनका जूस निकाल लेना चाहिए। तो इसका जवाब भी दोस्तों आप इन लोगों के मुंह से ही सुन लीजिए। क्या लगना उसका ये स्माइल पत्रे का उसमें दारू में इसमें रस में मिलता है। अगले स्टेप में जूस को छान लेते हैं और फर्मेंटेशन के लिए इस जूस को 3 से 4 दिनों तक एक बड़े से बर्तन में रखा जाता है और फिर इसे एक बड़े से तांबे के बर्तन में निकाल लिया जाता है। और इस ड्रम के ऊपर एक मिट्टी से बने बर्तन से इसे ढक दिया जाता है और मिट्टी की ही मदद से इसे अच्छे से सील कर दिया जाता है। इस बर्तन के छेद में एक पाइप लगा होता है और इसे भी गीली मिट्टी से सील कर दिया जाता है। और फिर इस पूरे बर्तन को आग की मदद से गर्म करते हैं। पूरे 8 घंटों तक इसे गर्म करने के बाद इसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है और ये भाप ठंडा होकर दूसरी तरफ से पाइप के जरिए लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसे तैयार हो जाती है आपकी ऑर्गेनिक काजू से बनी वाइन। अब इसका टेस्ट और टेम्परेचर चेक किया जाता है और अगर ये सही ना हो तो फिर से इसे 7 से 8 घंटों तक गर्म किया जाता है, यानी कि इसे फिर से सारे प्रोसेस से दूसरी बार गुजरना पड़ता है। फाइनली दोस्तों जब ये तैयार हो जाती है तो इसे बेचने के लिए बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। और दोस्तों इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि काजू से बना वाइन क्यों इतना महंगा होता है। दोस्तों अब आप कमेंट सेशन में हमें बताएं कि आपकी फेवरेट दारू कौन सी है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।